संवाददाता अरविंद कुमार सिंह बूनपुर। गोपालगंज बाजार में छेने से पटी दुकान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बूनपुर तहसील क्षेत्र के गोपालगंज बाजार नकली मिठाइयों से पट चुकी है। इस समय त्योहारों का समय आ चुका है, जिसको लेकर के दुकानदारों द्वारा केमिकल युक्त मिठाइयां बड़े ही धड़ल्ले से बनाई जा रही है। गोपालगंज में एक प्रसिद्ध बंगाली मिष्ठान भंडार है, जिसके द्वारा क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी बाजारों में मिठाइयों की सप्लाई की जाती है। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इस दुकान से सस्ते दर पर मिठाई बेची जा रही है। इस दुकान के माध्यम से रसगुल्ला मात्र 120 रुपया केजी, बर्फी भी 120 रुपया। अब आप समझ सकते हैं कि मिठाई की दुकान द्वारा किस तरह की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं चीनी से बनने वाली मिठाई भी 100 रुपए से अधिक की बाजारों में बिक रही है। जहां दूध की कीमत 40 से 50 रुपए लीटर है, वहीं बाजारों में नकली खोवा पनीर छेना पूरी तरह से पड़ा हुआ है। इस कालाबाजारी को देखकर के क्षेत्र के समाजसेवी विनीत रंजन द्वारा एक पलल की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत और उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य से की बाजारों में हो रही कालाबाजारी की रोकथाम के लिए गोपालगंज स्थित बंगाली मिष्ठान भंडार की मिठाई की जाँच की जाए, उसके उपरांत उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की है। ये दुकान पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, दुकान के मालिक के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मिलावटखोरी का आलम इस कदर है कि इस दुकान की मिठाई खाकर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते ऐसे धंधे बड़े ही धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं। जब भी त्योहारों का सीजन आता है तो साहब की जेब गर्म हो जाती है, इनका व्यापार साहब के रहमो करम पर फलता फूलता है। आलम यह है कि सस्ती कीमत के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्र के लोग सस्ती मिठाई खा करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। विनीत रंजन ने चेतावनी दी, दशहरे से पूर्व इस दुकान को प्रतिबंधित किया जाए, साथ ही इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर समय रहते ही कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इस संबंध में उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने कहा कि जांच कर दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो दुकान पूर्ण रूप से बंद भी करवा दी जाएगी। मिठाइयाँ जो बना रहे हैं लोग, मंगवा रहे हैं, दूध 60 रुपया केजी है और रसगुल्ला जो 100 रुपये में बेच रहे हैं, वो छेना थोड़ी बेच रहे हैं, वो सब केमिकल बेच रहे हैं। ये जो त्यौहार आ रहा है, चाहे खोवा हो चाहे छेना हो, सब मिठाइयाँ जो केमिकल की हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये पब्लिक जो है त्यौहार के रूप में इसको जो उपयोग करती है, जिससे स्वास्थ्य सारे लोगों का, पूरे समाज इससे जो प्रभावित होता है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी शुद्धता की जांच हो और बाजार में सही मिठाई बिके। विनीत रंजन, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि इस समय जो त्यौहार का सीजन है और मिठाइयां जो नकली मिठाइयां हैं उससे जो है सचेत रहें, और ख़ास करके ये जो बंगाली मिठाइयाँ बेचते हैं और 120 रुपया केजी छेना, जो कि 120 रुपया केजी छेना क्या दूध इस समय की कीमत लोग जान लें कि 120 रुपया केजी छेना नहीं मिल सकता है। चीनी की मिठाइयाँ भी जो लड्डू वगैरह क्या थी जो इसका होता है जूटिया का, वो 100 रुपया किलो मिला, तो 120 रुपया छेना ये बहुत सोचने की बात है। ये नकली है, धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। और ये जो गोपालगंज की दुकान है, खास करके बंगाली की दुकान तो बहुत है, लेकिन गोपालगंज में जो संदीप विश्वास की दुकान है, ये सप्लाई करते हैं, तो ये सप्लाई करते हैं और ये हर दुकानों पर पहुंचाते हैं। तो हर कहीं न कहीं अगर लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ से मिठाई तो नहीं ले रहा हूँ, तो मैं उससे बच रहा हूँ, तो कोई उससे बच नहीं रहा है। हम कहते हैं वो सप्लाई कर रहे हैं तो हम उनके हाथ से ना ले करके कहीं से भी लेंगे तो हम उस चीज़ को ले रहे हैं। तो सबको मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप लोग मिठाइयों से, खास करके नकली केमिकल युक्त मिठाइयों से बचें, और शासन प्रशासन से मैं जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ कि उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करके और जांच करके दुकान को बंद करवाया जाए। ऐसे प्रतिष्ठानों को निश्चित रूप से बंद करवाना चाहिए, और यदि नहीं बंद करवाते हैं, यदि अधिकारी उस विभाग के कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग इसके लिए आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन तक के लिए जो है बाध्य होंगे। और ये काम दशहरा से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी समय धड़ल्ले से मिठाइयाँ बिकती हैं।